ये है भाई अपाची आरटीआर 160 2B एडिशन। और भाई आज हमारे पास है मुकेश भाई और इनसे भाई बात करेंगे ये सारा डिटेल ऑनरशिप रिव्यू इस वीडियो में। तो मुकेश भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू और सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो इस वीडियो में भाई से सब कुछ जर्नी की बात करेंगे। जैसे ये बाइक काफी पॉपुलर है मार्केट में, 160 सीसी में सबसे मतलब टॉप सेलिंग बाइक है ये, तो आप जानते हैं। और फेमस है भाई, एंगेस्टर हो या फिर मतलब अगर एजेड पर्सन हो तब भी इसमें काफी ज्यादा फेमस है ये बाइक और काफी ज्यादा बिकती है भाई। अपाची का नाम अभी फर्स्ट पे चल रहा है भाई 160 सीसी सेगमेंट में, और मेरे पास भी है, भाई के पास भी है। तो मैंने सोचा कि इस पे डिटेल वॉकराउंड किया जाए क्योंकि ये नया वाला एडिशन है, इन्होंने लिया है। एक बार दिखा दो भाई ओवरऑल, और ये चल चुकी है भाई, अभी सामने से थोड़ा सा दिखा दो। ये है भाई सामने का लुक। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये चल चुकी है 13,829 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल चुकी है। ये 7 महीने हो चुका है, आई थिंक 7 महीने हो चुका है ना। हाँ। 7 महीने हो चुका है, तो ये काफी अच्छा मतलब ऑनरशिप रिव्यू देने के लिए मतलब तत्पर है। तो इस वीडियो में भाई बात करेंगे कंप्लीट डिटेल। तो भाई सबसे पहले आप बताइए कि ये कितने का लिए थे? ये सब प्राइस तो सब जानते होंगे, नॉर्मल वही 150 के आसपास। 150? हाँ। ये आपने कैश में लिया था? अरे यार कैश में? नहीं, कैश में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि ये कोई भी गाड़ी अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि भाई सबसे पहले माइलेज, हर बंदा चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, तो है, सही बात हो सकता है कि भाई बहुत अमीर वाले हो तो माइलेज का कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम लोग में क्या होता है कि भाई माइलेज भाई मेन प्रायोरिटी रहती है। अरे घर वाले तो भाई कितना क्या क्या सुना है इसके लिए, वो तो हमको भी पता है। सही है सही। तभी मतलब कितना माइलेज आपके हिसाब से? हमको तो उतना नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में, मतलब नॉलेज इस चीज से रिलेटेड माइलेज वगैरह, लेकिन हमने सुना है कि 40 तक इसका एवरेज है माइलेज वगैरह। तो एकदम सही है, 45 तक मेरा, अभी मेरी 5 साल हो गई तो 40 तक दे देती है, मतलब 45 तक मिल जाता है, तो माइलेज हो गई। तो आपने ये बाइक क्यों लिया और किसी मतलब सेगमेंट के इससे पल्सर हो गया? अच्छा, जरूर, 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 जरूर। क्यों उसमें क्यों? तो सबसे पहला रीजन ये था कि हमारे घर में साधन नहीं था कोई भी, दो पहिया हमारे घर में केवल साइकिल था, और कहीं पर भी जाना हो 40-50 किलोमीटर दूर यानी कि 100 किलोमीटर तय करना हो तो हर दिन साइकिल से कोई भी नहीं तय कर पाएगा इस जमाने में। इस जमाने में तो मेन रीजन ये था कुछ ना कुछ साधन लेने का जो कि पेट्रोल वगैरह से चले। इस सबसे तो प्लान ये बना कि कोई ना कोई बाइक लेते हैं। तो हम सबसे पहले गए थे बासी, तो वहां पर देखे वोखे, अगले दिन फिर हम गए इधर पड़ता करमैया एक यहाँ पे है। हाँ। तो फिर हम क्या सोचे कि कौन सा बाइक ले कौन सा, कुछ कुछ नहीं फिक्स था। फिर हमने भैया से पूछा तो भैया ने कहा देखो हमको एक बाइक बहुत पसंद है अपाची। भाई? तो हाँ, तो हमने बोला चलो ठीक है, भैया को पसंद है, हमको क्या है, हमको बस चलाने से मतलब, चाहे जो बाइक हमको आने जाने में हाँ, सही है, सफर तय करने में आराम हो, क्योंकि लोग लाइफ में थोड़ा बहुत ट्रेवल भी करना पड़ता है तो आसानी रहती है। तो भैया के कहने पर और अपना एक ओपिनियन रहा कि भाई टू मनी से लिए है और 3 लोग का बैठने का भी जगह है, एकदम ऐसा ना लगे कि भैया यूट्यूब मेरे लिए अच्छा पर ही एकदम सही होता है ना। हाँ, होता तो इस पर 3 लोग भी आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है और दिखने में भी लगता है कि हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है एकदम। हाँ, लगता है भाई, हाँ बाइक तो लिया भाई, तो यही रीजन है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, मैं भी ये बाइक अपाची अपने मेरे पास दिखा दू साइड में, ये मेरे पास भी है अपाची, हालांकि ऑडियंस जानती है, मैंने भी यही सोच के लिया था, मैं ड्यूक की तरफ जा रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मेरे मतलब 3 लोग हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाता है गांव देहात में तो भाई फोर व्हीलर तो होता नहीं है हम लोग के लिए, 2 व्हीलर ही मतलब है। तो हमने भी यही सोच के लिया था कि भाई बाइक ले रहे हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाए रात में दिन में कभी किसी को भी पड़ जाए तो एक साथ 3 बंदे जा सके। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी इनकी भाई की, मुझे भी ये यही चीजें सेम पॉइंट में अपने पिछले वाली वीडियो में काफी सारी वीडियो बताया ये चीजें। और एक फायदा इसमें ये भी होता है कि जैसे और कोई नॉर्मल दूसरा बाइक इस टाइप का जो थोड़ा सुपर बाइक में आता है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है ना कि 2 मेल नहीं बैठ पाते, फीमेल की तो दूर की बात है, और इस पर 2 फीमेल भी आराम से बैठ जाते हैं, अपना आराम से बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े हो एकदम भयानक, सीट दिखा दो थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगे 2 फीमेल हाँ तो आराम से बैठ मीडियम में आराम से एकदम आराम से बैठ जाएंगे, बाकी भाई सबका बॉडी अलग अलग होता है, नहीं तो 4 लोगों को बैठने पर 2 लोग भी नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा सब लोगों का बॉडी पोस्चर होता है। बाकी आराम से इसमें बैठे उठने में तो भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अभी आपने 5 सर्विस हो गया या फिर नहीं? हाँ हो गया, हो गया, तो मतलब में अभी 1 हफ्ते पहले लगभग हमने करवाया 5वां। तो सर्विस का क्या मतलब, जैसे टीवीएस की कोई भाई बाइक ले रहे हैं तो मतलब सर्विस में आपको अभी यहाँ तक, जैसे हम लोग का गांव क्या है रूरल टाइप में है, हाँ। तो कैसा सर्विस मतलब रिस्पांस रहा? हम सही बताया ना, ऑनेस्टली रिव्यू दे रहे हैं। हाँ, सही। हम वहाँ पर गए थे एजेंसी पर जो होता है 3-4 बार करवाए हैं, लेकिन वो कुछ भी डाल देते हैं इसमें उसमें, कह देते इतना हो गया, हमको देना ही पड़ता है।
लेकिन हम कसम से बता रहे हैं ना, हम अपने गांव में 5 बार सर्विसिंग करवाए हैं, उसने उससे कम दाम में किया, इतना फर्स्ट क्लास गाड़ी चला हमारा कि हमको लगा रे यार एजेंसी पर नहीं जाना चाहिए था हमको। अब भाई सबका अपना अपना ओपिनियन, हाँ वो तो है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस लिया भाई गांव में कराओ, जो अपना चिन्ह पहचान का हो थोड़ा बहुत, और उससे रहकर एकदम बेहतरीन कराओ, ये कमी हो कमी है बिंदास कर देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, उससे कम ही लेगा और बेहतरीन गाड़ी कर। जैसे आप सर्विस कराते थे शोरूम में तो कितना मतलब चला जाता था पैसे की क्या? पैसा मेरा लगभग 800 लगता था, 800। और गांव में मेरा 500-600 लगा था और एकदम बेहतरीन किया था भाई, कोई भी कमी नहीं रहेगी। देखो एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, ये हो सकता है गांव में इतना मतलब फैसिलिटी ना हो, हो सकता है शहर में थोड़ा सा फैसिलिटी रहता है, तो वहाँ पे लोग मतलब एजुकेटेड रहते हैं, जानते हैं कि बंदा मतलब प्रोफेशनल आ रहा है, तो थोड़ा सा दबिश रहता ना पावर का होता है कि मतलब शोरूम में, तो ये चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये रूरल टाइप का एरिया है, इसलिए मैं इस चीज को ऐड करना चाहूंगा। बाकी इसका लाइटिंग अभी तो मेरे यहाँ पे एलईडी लाइट आ गया है, एक बार मैं जला देता हूँ, न्यूट्रल कर दीजिए। ये कुछ अभी यहाँ पे इसका एलईडी लाइट आ गया है, तो अभी एलईडी लाइट जैसे मतलब रात में अगर चलते हैं तो लाइट का क्या कुछ मतलब लाइट ये चीज ये भी रहता है कि भाई गाड़ी लेने के लिए रात में चलना तो बहुत जरूरी है। हाँ। तो भाई लाइटिंग के क्या सेटअप है इसका? जैसे मान लो थोड़ा हमको ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है, हमको मान नॉर्मल के लिए तो यही रहता है, थोड़ा अंधेरा ज्यादा उजाला चाहिए तो ये अलाउन कर देते हैं, और बाकी इसका एक भी और फायदा रहता है, जैसे काफी गाड़ियों का जैसे वो होता है क्या बोलते हैं कार वगैरह आता है ना, तो उसमें क्या होता है उनको हॉर्न नहीं सुनाई देता है। हाँ, तो इसका एक बेनिफिट हमको ये वाला हो जाता है, ये, पास, पास, मार दो। दिख रहा ना लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ ये वाला पास। तो थोड़ा क्या होता है कि उनको पता चल जाता है पीछे भाई कोई आ रहा है, ओवरटेक करना चाहता है, तो उसमें भी थोड़ा आसानी मिलती है, मतलब विजिबिलिटी बढ़िया है। हाँ ये वाला जो दिया फीचर ना ये काफी बेहतरीन है इसका। बाकी अभी अगर बात करें सस्पेंशन वस्पेंशन, जैसे अगर 2-3 बंदे चलते हैं तो सस्पेंशन कैसा है अभी? नहीं नॉर्मल रहता भाई, कोई भी कमी नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे में भी दिक्कत नहीं हो, 36,000 हो गया, लेकिन मतलब सस्पेंशन एकदम बेस्ट है। बाकी अभी 7 महीने हो चुके हैं भैया भाई साहब के, बाइक नहीं धुला इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा है, वरना एकदम तगड़ा दिखता, गजब दिखता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब पेंट क्वालिटी थोड़ा सा विकास भाई बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका पेंट क्वालिटी दिखा दो भाई, कहाँ कहाँ थोड़ा सा मतलब आ गया है, कहीं स्क्रेच उच्रेच है या नहीं? हालांकि स्केच मुझे कहीं दिख नहीं रहा है 7 महीने में, भाई काफी ज्यादा चला दिए उस हिसाब से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर बंदा अगर अपने बाइक का ख्याल नहीं कर रहा है ना, तो सफेद कलर की धज्जियां उड़ जाती है। कैसे? जैसे सफेद कलर है गाड़ी का, अगर वो ख्याल नहीं कर रहा है, साफ सुथरा मालिश नहीं कर रहा भाई, रानी की तरह बना के नहीं रख रहा, तो समझ लो कि भाई 1 साल में बाइक देखने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ ये तो व्हाइट कलर है भाई, मेंटेन तो रखना पड़ेगा आपको, अगर मतलब अच्छा खासा बाइक में लुक चाहते हैं तो। हाँ ये तो है, मिलेगी। और अगर बात करें जैसे कि आप, अगर मैं बोलूं कि कोई चीजें आपको इसमें बुरी लगी या फिर अच्छी चीजें कुछ ऐसा आप बोलना चाहें इसमें, ये वाला फायदा मेरे को अच्छा लगा, जैसे बाइक में ज्यादा महंगे बाइक में ये वाला एडवांटेज देता होगा, जो जैसे लाइट ऑन ऑफ का ये वाला, ऑन ऑफ का जैसे मान लो ओवरटेक करना हो ये फायदा, और एक्स्ट्रा लाइट का ये फायदा, और भी इसमें और क्या बोलते हैं इसमें जैसे होता है डिस्प्ले वगैरह का भी काफी एडवांटेज रहता है, अचानक मान लो ब्रेकिंग का भी सिस्टम सही रहता है, आगे पीछे दोनों रहता है, तो थोड़ा नॉर्मल बाइक में क्या होता है कि अचानक से ब्रेक भिड़ी जाएंगे, क्या हुआ तो बात की बात है, इसमें एबीएस भी दे दिया है, थोड़ा सही दूर में अपना कवर 70 की स्पीड में हो तो मान लो कि क्या बोलते हैं 100-200 फीट के आराम से, मतलब यहाँ से लेकर वहां तक में 70 पे तो लगभग कंट्रोल हो जाएगा, 60-70 पे आराम से, ब्रेकिंग बढ़िया है। मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं चलाने का, लेकिन मतलब इतना लगता है कि हाँ आराम से हो जाएगा, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाला भी नहीं हो, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा थोड़ा सही है। अभी मैं एक चीज और पूछना चाहूँ कि आप कितना भगा दिए हैं, मतलब टॉप स्पीड तो अभी चेक किए हैं? हम चेक किए हैं, लेकिन यार डालोगे तो गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो हम पूरा एकदम पूरा सेफ्टी में थे, हेलमेट वगैरह पूरा ये सब हाथ में सब लाए थे, एक बंदे का मैंने मांगा था उधार के भाई थोड़ा दे दे मैं भी ट्राई करता हूँ अपना बाइक, तो मैं जब मेरा थर्ड सर्विसिंग हुआ था तो मैं 132 पे लगाया था, 132। हाँ मेरा जब थर्ड सर्विसिंग हुआ था उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं। क्योंकि वो बंदा मिला नहीं, वो बिना सेफ्टी के भाई, सेफ्टी नहीं। हाँ, नहीं, नहीं। क्योंकि जब उससे गिरेंगे ना तो जान की तो खतरा ना होने के चांसेस है, बाकी ऊपर वाला भाई हाँ, वो तो सब। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर पूरा सेफ्टी रहना तो अपना ये होता भाई हम सेफ है। मैं भी भाई 126 से चलाया हूँ, उससे ऊपर नहीं लेके आया अपनी अपाची, खैर कोई बात नहीं। तो अगर मैं एक ही वर्ड में बोला चाहूं, अगर कोई भी भाई अभी इस समय लेना चाहे 2024 में बाइक लेना चाहते हैं 160 cc सेगमेंट में, तो अपाची कैसा रहने वाला है भाई? सही है भाई, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता
आगे लौंडियाबाजी करना, छिछोरापन छपरी कहीं का ये हो गया। हाँ। एक ये रहता भाई, बनता ना बैठता ना तो प्रश्न थोड़ा मतलब दिखता है। हाँ, सामने वाला नोटिस जाता है। हाँ, अरे यार लगता है बंदा है। हाँ, बंदे में है कुछ। हाँ। भले ही मतलब चाहे जैसे लियो भाई, देखो भाई चाहे ईएमआई पे लियो चाहे जैसे लियो, लेकिन औकात रहेगी तो ही ना लेगा बंदा, तभी लेता ये रहता है। वो बैठने में कोई कमी नहीं रहती है, तो ये सब एडवांटेज रहता है, तो इसलिए हाँ ले सकते हैं। ऐसी कोई मैं ये नहीं करूँ लेना ही चाहिए। हाँ। लेकिन अगर कोई लेना चाहे आप कंसीडर कर सकते हो, आप शोरूम पे जाओ, आप टेस्ट राइड लो। अलग यहाँ पे कोई मतलब प्रमोशन नहीं है कि मतलब फोर्स कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं दे रहा हूँ इधर, कोई यहाँ पैसा नहीं देना, बस भाई मेरे साथ मिले तो मैंने सोचा एक बार ऑनरशिप लेना बनता है। क्योंकि भाई मैंने अभी अपाची का कोई ऑनरशिप भी किसी से नहीं लिया, और ये नया वाली एडिशन थी, तो मैंने सोचा इस पे ऑनरशिप लेना बनता है। तो भाई ये था आज के लिए वीडियो, अपाची आरटीआर 162 भी एडिशन, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ऑनरशिप रिव्यू पसंद आया। तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भाई का हमारे भाई साहब हैं, इनका ब्लॉगिंग चैनल है, अगर आप जो भी भाई लोग आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई मतलब इनका नाम की कोई जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा ये फेमस है, फिर भी मैं अब चैनल डाल दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये था आज के लिए वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नाउ।